बहराइच पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा किया है। पूरा मामला बहराइच के थाना रिसिया विष्णुपुर का है, जहां बीते दिन एक लड़की की गला लेट कर हत्या कर दी गई थी। बहराइच पुलिस ने इस हत्याकांड का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। आपको बता दें, लड़की के पिता ने ही हत्या कर घर के पास ही शव को बोरे में भर कर फेंक दिया था। दिनांक 27/28 की रात थाना रिसिया के विष्णुपुर गाँव में संकरानी और पूजा पुत्री सुभाष का शव एक बोरे में बरामद हुआ था, जिसमें उनके पिता से सुभाष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उस गांव के ही ग्राम प्रधान मोहम्मद यार और वहां के कोटेदार तथा दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया है और ये हत्या कारित की गई है, जिसके उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना में इसका सफल अनावरण करते हुए यह पाया गया कि संक्रानी और पूजा के द्वारा गांव के ही एक लड़के जिसका नाम छोटकऊ पुत्र फकीरे था, दिनांक 20/6/2020 को छेड़खानी का मुकदमा इसके पिता के द्वारा थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोपी छोटकऊ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तथा इसकी 164 की कार्रवाई अभी शेष थी। पिता द्वारा इस अपनी पुत्री को 164 की कार्रवाई में छोटकऊ के विरुद्ध बयान देने के लिए कहा जा रहा था, जबकि छोटकऊ और मृतका के बीच में प्रेम संबंध था, जिसके कारण वह सहयोग करने से इनकार कर रही थी और पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर यह इसके विरुद्ध बयान देगी तो उसके परिवार की इज्जत और समाज में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी कारण घटना वाली रात को उसने अपनी पुत्री को अलग सुलाया। जब वो सो गई तो पहले रस्सी से उसके गले को घोंटा गया और बाद में हंसिए से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कारित करने के बाद शव को बोरे में ले जाकर अपने घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक यूकेलिप्टस के बाग में छिपा दिया गया तथा पुलिस को यह सूचना दी गई कि ग्राम प्रधान ने अपहरण करके यह घटना कारित की है। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है तथा उसकी निशानदेही पर आला कत्ल हंसिया तथा घटना के समय पहनी गई बनियान भी बरामद की गई है। इस घटना में सुसंगत विधिक कार्रवाई एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्त को जेल रवाना किया जा रहा है। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता आमिर अली की रिपोर्ट।